ट्यूनल खड्ड पे खड़ा हूँ, जो एक त्योणी ट्यूनल मोटर मार्ग है, 23 किलोमीटर लगभग इस सड़क की लंबाई है, और उसे लगा हुआ खड्ड ट्यूनल खड्ड, जो कि एक ठेकेदार के हाथ के कारण जो है, जो ठेकेदार की लापरवाही है या ठेकेदार की मनमानी का जो ये सबसे बड़ा मंजर आप देख रहे हैं, इस जंगल को जो है वहाँ से सीधा मलबा वहाँ से आ रहा है, और बड़े बड़े पत्थर चट्टानों की तरह पत्थर जो है इस पेड़ पे देखिए, पेड़ पे टकरा रहे हैं, और ये पेड़ लगभग टूट चुका है और कुछ देर में अब सूख भी जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पत्थरों से ये घिरा हुआ पेड़ है। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरनाक जो काम इन्होंने किया है वो यह है कि ये जो खड्ड है, ट्यूनल खड्ड, बरसात में जब इसमें भारी बरसात होगी तो ये खड्ड जब पानी आएगा तो ये पानी जो है किस तरह की तबाही मचाएगा इसके अंदर, सबसे बड़ी बात मुझे जो खतरे की लग रही है वो ये लग रही है, इसमें बहुत भारी तबाही मचेगी, और ये पानी इन चट्टानों के कारण जो है, जो सामने जो कुछ बगीचे हैं, कुछ जो खेत हैं, शायद इनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में जब बरसात होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस जगह पर क्यों वन विभाग की नज़र नहीं पड़ रही है, वन विभाग के जो अधिकारी हैं क्या उनको ये सब पता नहीं है कि जंगल में कितनी तबाही मची हुई है, इतने सैकड़ों पेड़ इसमें जो है या तो जड़ से उखड़ गए या टूट चुके हैं सामने है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार भी जो है लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, ना तो जन प्रतिनिधियों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, ना विभाग की जो PMJSY है उसका भी अगर इसमें कोई किस तरह का रोल है उसका भी इसमें कोई रोल दिख नहीं रहा है कि वो किस तरह की कार्रवाई जो है कर रहा है, या ठेकेदार को उसकी छूट दे रखी है। तीसरी बात, वन विभाग को मैं सबसे पहले कहूँगा कि उसका क्या मतलब है, उसका इसमें क्या रोल है, किस तरह का वन विभाग क्या चाहता है कि इसकी तबाही हो, जंगल की तबाही हो, क्यों चुप है वन विभाग? उसकी भूमिका बहुत ही मुझे संदेशप्रद जो लग रही है, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा शक है कि कहीं ना कहीं इन सबकी मिली भगत है और ठेकेदार को जो है इनको शय मिली हुई है, वरना इतनी मनमानी कैसे कर सकता है, इतना बड़ा नुकसान जंगल का। शायद इससे पूर्व में स्थानीय लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, इसको देखने को तैयार नहीं है। तो ये जो अद्भुत जो भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा नमूना है, इस तरह का भ्रष्टाचार आज तक इससे पहले नहीं देखा होगा, जहाँ पर तीन विभाग इसमें इन्वॉल्व एक तरह से, पर्यावरण का इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी, पेड़ों का इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी वन विभाग सोया हुआ है, उनकी नींद नहीं टूट रही है, और PMJSY को भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी, कि उनको देखना होगा कि क्या सड़क में इस तरह से खुलेआम ठेकेदार को इस तरह की छूट मिल सकती है क्या।